हम नॉर्मल सब न्यूज़ पढ़ते हैं और उस पे कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप, अगर एच कोई सब ग्रुप है जी का तो हम उसको नॉर्मल इन जी कब कहेंगे? एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज इक्वल टू एच ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, अब आपको लग रहा हो ये सेम है जो हमने अबेलियन ग्रुप के केस में रिजल्ट किया था कि अगर जी हमारा अबेलियन है तो ए एच इज इक्वल टू एच ए। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल जी एंड एच बिलोंगिंग टू कैपिटल एच। या अगर हमें इसे और फॉर्मुलेट करना हो तो हम कैसे कहेंगे, जी कैपिटल एच जी इनवर्स इज इक्वल टू एच। ये हमारे पास कहाँ से आया है, इस स्टेटमेंट से आया, अगर हम ए इनवर्स दोनों साइड लेफ्ट साइड ऑपरेट करें तो वापस आ जाएगा ए एच ए इनवर्स इज इक्वल टू एच। ए इनवर्स आइडेंटिटी बन जाएगी, वापस एच रह जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तब भी हम कहेंगे कि जो हमारा एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है। या तो हम इसको ऐसे कह लें, या ऐसे भी होता है जी इनवर्स एच जी, वो भी हम नोटेशन यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली एच इज इक्वल टू जी इनवर्स एच जी फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू ग्रुप जी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब हम इसमें थर्ड रिजल्ट देखते हैं। अगर हमारे पास एच और के दो सब ग्रुप्स हैं जी के, और इनमें से कोई भी एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, एच या के, तो हम कह सकते हैं कि जो एच के है हमारा वो सब ग्रुप होगा जी का। एच के क्या था, हमारा प्रोडक्ट है, और इसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म के होते हैं, एच के वेयर एच इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल एच एंड के इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल के। ठीक है, अब फोर्थ रिजल्ट देखते हैं। सेम है हमारे पास, एच और के हमें दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं जी के, और हमें दे रखा है कि एच इज नॉर्मल इन जी। ठीक है, अब हम दोनों साइड यूनियन ऑफ के यहाँ पे लगाएंगे। ये सिर्फ याद करने का वे है, एच यूनियन इंटरसेक्शन के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इंटरसेक्शन के, विच इन टर्न इम्प्लाइज एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, क्योंकि जी इंटरसेक्शन के हमारा के ही बन जाएगा, बिकॉज के इज अ सबसेट ऑफ जी। सिमिलरली अगर हमें दे रखा होता कि एच एंड के हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं जी के एंड के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन इट वुड इम्प्लाई के इंटरसेक्शन एच या एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सब ग्रुप इन एच। ये जस्ट एक वे था इसे रिमेम्बर करने का कि हम अगर इसमें ऐसे इंटरसेक्शन वाला ऑपरेट करें दूसरे के साथ तो हमारे पास रिजल्ट कैसे याद करना है। हम ऐसा कर नहीं सकते हैं कि अगर हम कोई भी दो ग्रुप्स लें और उसका यूनियन करें ऐसे करके, ये जस्ट एक वे था याद करने का। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम, अगर हमारे पास एक एच है सब ग्रुप जी का और एच का इंडेक्स इन जी हमारे पास 2 आ रहा है। इंडेक्स का क्या मतलब था, कि इसके पास दो ही डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स आ रहे हैं या दो ही डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आ रहे हैं, बिकॉज इंडेक्स इज अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। सो देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम सिक्स्थ रिजल्ट देखते हैं इसमें। अगर हमारे पास
एच सबसेट ऑफ बी के दे रखे हैं विच इन टर्न इज अ सबसेट ऑफ जी, और हमें ये भी दे रखा है कि एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन वी कैन से एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के. इसका एग्जाम्पल कंसिडर करने के लिए हम जेडिट में बात करते हैं ग्रुप में, और जो 4 से जनरेट हो रहा है इज अ सबसेट ऑफ जो 2 से जनरेट हो रहा है विच इन टर्न इज अ सबसेट ऑफ जेडिट. 2 से जनरेट हुआ हुआ कैसे दिख रहा है, 0, 2, 4, 6 एंड 4 से जनरेट किया हुआ 0, 4. अब जेडिट हमारा ग्रुप है और हमें पता है एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, जेडिट हमारा अबेलियन भी है, इज नॉर्मल. तो हमें इतना तो पता लग गया कि दिस इज नॉर्मल इन जेडिट. बस हमें अब शो क्या करना है कि 4 से जनरेट किया हुआ सब ग्रुप इज नॉर्मल इन 2 से जनरेट किया हुआ सब ग्रुप. अब अगर हम ध्यान से देखें ये जो 2 से जनरेट हो रहा है सब ग्रुप, उसमें एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे थे, किसी अबेलियन ग्रुप में से आ रहे थे, और हमने रिजल्ट किया था कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन. ठीक है, तो ये भी हमारे पास अबेलियन है एंड ये इसका सबसेट है. इनफैक्ट जो 4 से जनरेट हो रहा है ग्रुप वो सब ग्रुप है जो 2 से जनरेट हो रहा है. इसे हम इजीली चेक भी कर सकते हैं बिकॉज अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स यहाँ लें तो उसका ए बी इनवर्स भी हमारा इसी में आएगा एंड ये नॉन एम्प्टी सबसेट भी है. इसीलिए अब अगर ये सब ग्रुप है 2 से जनरेट किया हुआ का और वो हमारा अबेलियन था, तो हमें ये भी पता लग गया कि ये जो 4 होगा इट इज़ नॉर्मल इन दिस. अब हम 7 से सर देखते हैं. अगर जी हमारा एक फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है एंड हमें पता है कि एन को हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में पी इंटू ए, और P यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम हो, जो भी बेसिकली स्मॉलेस्ट प्राइम होगा. जैसे कि अगर हम N लें 8, तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 का क्यूब, स्मॉलेस्ट प्राइम क्या आया 2. और अगर हम N लें अपना 15 विच इज इक्वल टू 3.5, दोनों ही प्राइम है बट स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा हुआ 3, तो उस इंडेक्स का जो सब ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा बेसिकली. देन इफ जी इंडेक्स एच इज इक्वल टू पी देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. अब हम देखते हैं दूसरा रिजल्ट. अगर एच हमारा सब ग्रुप है जी का और एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. यहाँ पे अगर हमें एग्जांपल देखना हो तो हम जी कंसीडर कर लेते हैं क्यूइट और एच कंसीडर कर लेते हैं हम 1 और -1 वाला सब ग्रुप. और हमें पता है क्यूइट के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं +-1, +-i, +-j, +-k एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू j स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सिमिलरली अगर माइनस i का हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारे पास -1 आएगा, माइनस j का स्क्वायर करेंगे वो भी -1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा. Q8 के सारे एलिमेंट्स का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमारे पास 1 या -1 ही आएगा. बेसिकली एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्यूइट. इससे हमें क्या पता लग गया कि जो एच है हमारा ये नॉर्मल सब ग्रुप है क्यूइट में. ठीक है, अब हम दूसरा रिजल्ट करते हैं अपना. इफ एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर है एच का हमारा 2, then H is a subset of center of G. Center of G basically क्या होता है,
सेंटर ऑफ जी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। जैसे कि हर ग्रुप में एक सेंटर टू आइडेंटिटी होता ही है, क्योंकि आइडेंटिटी बाकी सारे एलिमेंट्स जो जी के होते हैं उनके साथ कम्यूट करता है, ठीक है, वो होता है हमारा सेंटर। इसमें भी यही सेम एग्जांपल लग सकता है, ये एच है जो हमारा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप बन रहा है और इसका ऑर्डर टू है, तो हेंस दिस इज द सबसेट ऑफ सेंटर ऑफ जी। और अगर हम Q8 में चेक करें तो उसके सेंटर में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, वो है 1 और -1, और कोई उसके सेंटर में एलिमेंट्स होते ही नहीं। अब हम एक और रिजल्ट करते हैं। अब अगर हमारे पास H एंड K दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं G के, और हमें ये भी कंडीशन दे रखी है कि इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी प्रेजेंट है, तो एच और के आपस में कम्यूट करेंगे, दैट इज एच के इज इक्वल टू के एच फॉर ऑल एच कॉमा के एच बिलोंगिंग टू एच एंड के बिलोंगिंग टू कैपिटल के। एंड एक ग्रुप में दो नॉर्मल सब ग्रुप्स तो हमेशा होते ही हैं, वो क्या होते हैं, एक आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इट्सेल्फ, और इनको हम बोलते हैं ट्राइवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। अब एक और टाइप का यहाँ पर ग्रुप आता है, वो है सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप क्या होता है बेसिकली, वो ग्रुप जिसमें कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, कहने का मतलब उसके पास सिर्फ दो ही नॉर्मल सब ग्रुप्स हों जो कि ट्राइवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स होने चाहिए। ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो हमारे परम्यूटेशन ग्रुप्स से आते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप्स बेसिकली, जो हम बाद में करेंगे, तो हम तब इस सिंपल ग्रुप को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं GL2 एंड एंट्रीज आर कमिंग फ्रॉम रियल्स। जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एंट्रीज कमिंग फ्रॉम रियल्स क्या होता है बेसिकली, इनवर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। अब हम दो सेट्स कंसिडर कर रहे हैं, H1 इज इक्वल टू A बिलोंगिंग टू G सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 1, एंड H2 A belonging to G where A is an upper triangular matrix. And हमारे पास कुछ options दे रखी हैं B, C, D. H1 is a normal subgroup of G, H2 is a normal subgroup of G, H1 is a normal subgroup of G, and H2 is a normal subgroup of G. Neither H1 is a subgroup of G nor H2 is a subgroup of G. अब हम H1 और H2 को देखते हैं कि वो normal subgroups है कि नहीं। Normal subgroup से पहले हमें क्या देखना होगा कि वो subgroup बनते हैं G के या नहीं। H1 से start करते हैं। अब identity matrix का determinant 1 होता है, so we can say that identity matrix belongs to H1, therefore H1 is non-empty. अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारे पास सब ग्रुप प्रूव करने का, हम दो एलिमेंट्स लेंगे H1 में, A एंड B belong to H1, और AB inverse देखेंगे कि H1 में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो ये आ जाता है तो H1 हमारा सब ग्रुप होगा G का।
इसको एच वन में कंटेन करने के लिए, बिलोंग करवाने के लिए हमें क्या देखना होगा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट का इनवर्स. ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला यूज किया मैंने, इन टर्न इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट ओवर बी का डिटर्मिनेंट. ए एंड बी किसके एलिमेंट से, एच वन के, एच वन के एलिमेंट से डिटर्मिनेंट क्या है, वन, सो विच इज वन, विच इन टर्न इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच वन एंड एच वन फॉर्म्स अ सब ग्रुप इन जी. अब हम एच टू देखते हैं. एच टू में भी जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है. क्यों? क्योंकि उसमें बिलो डायगनल एंट्रीज हमारे जीरो होती है. बिलोंग्स टू एच टू, देखो एच टू इज नॉन एम्प्टी. अब इसका टू सब ग्रुप टेस्ट यूज करते हैं. अगर हम कोई दो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस लें तो ए बी भी हमारा एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आएगा एंड इनवर्स ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बिलोंग्स टू एच टू फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच टू. Therefore, we can say that H2 is a subgroup in G. अब normal subgroup प्रूव करने के लिए हमें क्या देखना है कि हम एक एलिमेंट लेंगे H में और एक एलिमेंट लेंगे G में. X G का एलिमेंट है और H हमारा एलिमेंट है H1 का. तो हमें क्या शो करना है नॉर्मल के लिए कि X H X इनवर्स, X की जगह मैं इसको A ले लेती हूँ, belongs to H1. So, X, A, X inverse को H1 में belong करने के लिए determinant check करेंगे. Determinant of X, determinant of A, 1, 1, 1, determinant of X. ये मैंने, और मैं determinants को cancel out भी क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि ये elements कहाँ से आ रहे हैं, G के, और G क्या था हमारा general linear group, और उसमें determinants जो होते हैं वो non-zero होते हैं. Therefore, I can cancel out them. डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एच वन का एलिमेंट था उसका डिटर्मिनेंट वन होगा. Therefore, we can say that X A X inverse belongs to H1 and hence H1 is a normal subgroup in G. अब इसको देखने के लिए जरूरी नहीं है कि हमने कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. हम इसका काउंटर एग्जाम्पल देखते हैं. मैं कोई एक ऐसा मैट्रिक्स लेती हूँ जो अपर ट्राइंगुलर ना हो, 0, 1, 1, 2, एंड अभी अगर मेरे को इसका इनवर्स देखना हो तो हम कैसे देखते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ x और जो इसका एडजॉइंट होगा मेरे पास. मैंने यहाँ पे इसको मैं इंटरचेंज कर दूंगी यहाँ से और यहाँ पे मैं साइंस चेंज कर दूंगी. और डिटर्मिनेंट क्या हमारे पास x का, 0 माइनस वन, दैट इज माइनस वन. देखो x इज इक्वल टू माइनस टू, वन, वन, जीरो, x इनवर्स. एंड a मैं कोई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ले लेती हूँ, 0, 1, 1 एंड 1 बिलोंगिंग टू h2, टू वेयर x बिलोंग्स टू g. अब हम कंप्यूट करते हैं कि x a x इनवर्स क्या आएगा. मैं इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन साथ में करूंगी. x इज इक्वल टू 0, 1, 1, 2, a 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, प्लस प्लस प्लस, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2, डॉट 1, डॉट 1, डॉट 1, डॉट 1, डॉट 0, डॉट 0, विच इन टर्न इम्प्लाइज 0, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2. अब ये जो हमारे पास बना था वो क्या बना था, हमारे पास माइनस टू प्लस वन, माइनस वन, जीरो, यहां भी जीरो, यहां पे वन आएगा, यहां जीरो आएगा, जीरो प्लस वन दैट इज वन. सो अगर इस मैट्रिक्स को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आएगा, जीरो इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू वन, 1 into minus 1 plus 2 into 1, 0 into 1 plus 1 into 0, 1 into 1 plus 2 into 0, which in turn implies 0 plus 1, 1, 2 minus 1 is 1. अब मुझे पता लग रहा है कि
बिलो द मेन डायगनल इसका एक एलिमेंट नॉन जीरो आ गया, सो हमें पता लग रहा है कि एक्स ए एक्स इनवर्स डज नॉट बिलोंग टू एच टू बिकॉज इट कैन नॉट बी एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो उन ऑप्शन में से वो ऑप्शन करेक्ट होएगी जिसमें होगा कि एच वन इज अ नॉर्मल सबग्रुप इन जी बट एच टू इज नॉट अ नॉर्मल सबग्रुप इन जी दो एच टू इज अ सबग्रुप इन जी. अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस. इफ एच इज द ओनली प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी देन ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं स्टार्च से नोट कर रही हूँ. एच इज नॉर्मल इन जी एच इज नॉट नॉर्मल इन जी सी ऑर्डर ऑफ एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ एच एक्स इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच. नाउ क्वेश्चन नंबर टू एच के इज नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ जी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दिस इज ऑल्सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए एच इंटरसेक्शन के एच के इज नॉर्मल सबग्रुप इन जी. ऑप्शन बी एच के एच यूनियन के इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी. ऑप्शन सी एच इंटरसेक्शन के इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी बट एच के इज नॉट नॉर्मल इन जी. ऑप्शन डी एच यूनियन के इज नॉर्मल सबग्रुप इन जी बट एच के इज नॉट नॉर्मल इन जी.